ചിത്തം മടക്കണം വരുന്ന സിഖാപദം സമാധിയാമി ചുറാമേരി ലജ്ജിപ്പം മടക്കണം വരുന്ന 14 फरवरी 2021 को एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग का निमंत्रण मिला विदा पीपल की तरफ से, जिसमें सभी तरह के लोग, सभी तरह के संगठन चलाने वाले इकट्ठे हुए। वहां एक व्यक्ति जो बुजुर्ग थे काफी, उन्होंने अपनी बात रखी और बात रखते हुए सबसे पहले कहा कि मैंने बाबा साहब को अपनी आंखों से देखा है। और फिर उन्होंने जो बात की, वो बात जो विषय था वहां पर कि सबको जुड़ना है और जोड़ना है, उससे कुछ मैच नहीं खाती थी। सारा उन्होंने संस्मरण, अपनी बात, अपना नाम, वो सब वहां उन्होंने बताना शुरू किया। लगभग 20 मिनट वो पूरे जितने लोग आए थे उनका कीमती 20 मिनट खा गए, क्योंकि सब्जेक्ट पर बात रखनी चाहिए। बात ये थी कि जुड़ना है और जोड़ना है तो कैसे सब लोग जुड़े हैं, कैसे ना जुड़े। जब बात मुझे करनी थी तो मैंने कहा कि भाई हमने तो बाबा साहब को देखा नहीं, हमें तो शर्म आनी चाहिए, हमें तो डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि हम तो बाबा साहब को देख नहीं पाए। तो वो थोड़े से नाराज हो गए। उन्होंने कहा जी कि आप कटाक्ष कर रहे हो। मैंने कहा भाई अगर कटाक्ष किया है तो आपको मैं सॉरी बोलता हूं, क्षमा मांगता हूं, पर यह है कि आपने यहां 20 मिनट पूरी सभा का ले लिया, आपने एक बात नहीं कही। आप अपना संस्मरण, अपनी जो कहानी है उसको लिखकर एक एक पर्चे पर हमको दे देते, फेसबुक पर डाल देते, यूट्यूब पर डाल देते। आप बुजुर्ग हो, खाली बाबा साहब को देखना कोई योग्यता नहीं है। अच्छी बात है आपने बाबा साहब को देखा है, क्योंकि जब कोई बड़ा नेता होता है तो लोग मीटिंग में जाते हैं तो लाखों करोड़ लोग उसको देखते हैं, और देखकर जो भी होता है, कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, कुछ और भी आगे का सोचते हैं। मगर आप जिस अंदाज में यहां बता रहे हैं कि मैंने बाबा साहब को देखा है, ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई योग्यता बता रहे हैं। दरअसल ये योग्यता नहीं है, ये तो इंसिडेंट है। जैसे मैंने जितने भी पूर्व के नेता हैं जो मर चुके हैं और जो मेरी उम्र में थे, मैंने उनको देखा है। अब मैं किसी मीटिंग में जाके सबसे पहले सेंटेंस यही बोलूं कि मैंने फलाने नेता को देखा है, फलाने को देखा है, तो क्या मतलब है देखने का? क्योंकि मैं काम की बात तो कर नहीं रहा और आगे बढ़ने का मेरे पास कोई विचार है नहीं। और मैं संस्मरण सुनाऊं कि मैं उस मेले में गया था, फिर मैंने वहां मेले पर चढ़ा, फिर मैं पेड़ की टहनी पर चढ़ा, फिर मैंने वहां से झंडा हिलाया, फिर वहां मन से किसी व्यक्ति ने ये कहा, फिर ऐसे बोला, फिर ये बोला, उसका तो कोई संदर्भ है नहीं, क्योंकि यहां संस्मरणों की मीटिंग तो है नहीं। तो यहां समस्या है कि आपातकाल आया हुआ है, यहां समस्या है कि इमरजेंसी आई हुई है, यहां समस्या है कि सारे अधिकार चले गए हैं उन्हीं बाबा साहब के जिनको तुमने देखा था। तो तुम कर क्या रहे हो भाई? तुमने बाबा साहब को देखा है या तुमने बाबा साहब को जाना है या तुम बाबा साहब का फोटो लगाते हो, पर बाबा साहब का काम तो नहीं हो रहा। बाबा साहब का काम तो खत्म हो गया तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारे नेताओं की आंखों के सामने, तुम्हारे नेताओं के द्वारा भी हुआ है, यानी नेताओं की मौन सहमति है, क्योंकि नेता इकट्ठे नहीं हुए। नेता अगर इकट्ठे हो जाते और मंच से सही बात करते, पूरे दिन चिल्लाते रहो बाबा साहब का जय, बाबा साहब का जय, मैंने बाबा साहब को देखा, बाबा साहब ने ये कहा था, बाबा साहब ने वो कहा था, बाबा साहब ने ऐसे कपड़े पहने, बाबा साहब ने वो पहने, पर बाबा साहब ने जो किया वो तो नहीं बचा पाए। तो तुम काहे के नेता हो? तुमने क्या देख के किया बाबा साहब को? क्या सीखा बाबा साहब से? तो ये बात मैंने वहां कही कि भाई धमकाना छोड़ो जो नौजवान है उनको, क्योंकि नौजवानों को आगे बढ़ाना है, नौजवानों को आगे लेके आना है। आपने बाबा साहब को देखा, बहुत अच्छी बात है, मगर ये कोई क्वालिटी या एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन तब होती जब आप ये कहते कि बाबा साहब ये बचा के लाए और मैंने इसको बचाने के लिए ये काम किया, तो सभा में कुछ 20 मिनट का फायदा होता। अभी तो 20 मिनट का कीमती का नुकसान हो गया। एक सभा लगती है, उसमें इतने सारे लोग अपना पैसा खर्च करके आते हैं, जो आयोजन करने वाला है वो भी खाना पानी का इंतजाम करता है, जगह का इंतजाम करता है, कुर्सी मेज का इंतजाम करता है, टेलीफोन वगैरह करता है, खबर पहुंचाता है, तो ये सारा मिला के इतना पैसा, इतना टाइम एनर्जी लगती है और आपने 20 मिनट खराब कर दिया, तो रिजल्ट तो कुछ आया नहीं। तो फिर आपने कहां बाबा साहब को देखा? कैसा देखा बाबा साहब को? आपने बाबा साहब को देखा नहीं है, आप सिर्फ बखान कर रहे हो कि हमने बाबा साहब को देखा है। क्योंकि अगर बाबा साहब को देखा होता
तो बाबा साहब को समझा होता तो 20 मिनट नहीं खाते और वहां सिर्फ एक सेंटेंस बोलते कि सबको इकट्ठा होना है, बाबा साहब ने कहा है संगठित हो जाओ, इसमें कोई इफ बट नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। इकट्ठे होने का मतलब इकट्ठे होना है, और जिसको इकट्ठे नहीं होना है वो अपने घर का रास्ता नापे, क्योंकि बिना संगठन के कुछ नहीं होता, बाबा साहब ने ऐसा ही कहा है। धन्यवाद। Good time.